सो हेलो एवरीवन गाइस, ये है माधव इंफ्रा के क्वार्टर फोर के रिजल्ट। तो आगे यहाँ पर देखेंगे कि शेयर के रिजल्ट्स यहाँ पर कैसे आए हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर है शेयर के टोटल इनकम से। तो ईयरली बेसिस में यहाँ पर जो इनकम है वो अराउंड यहाँ पर 13,315.23 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 12,760.87 लाख यहाँ पर हो गया है। क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर शेयर इनकम जो है वो डिक्रीज हुई है। टोटल एक्सपेंसेस ईयरली बेसिस में 9,946.70 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में इंक्रीज होकर 12,515.62 लाख यहाँ पर हो गया है। इनकम डिक्रीज हुई है लेकिन एक्सपेंस यहाँ पर जो है इंक्रीज हुए हैं। और नेट प्रॉफिट जो है ईयरली बेसिस पे 2,418.27 लाख था, जो क्वार्टरली बेसिस में 462.48 लाख यहाँ पर हो गया है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस में डिक्रीज हुए हैं। और अर्निंग पर शेयर ईयरली बेसिस में 1.21 रुपये था, जो क्वार्टरली बेसिस में 0.18 पैसे यहाँ पर हो गया है। ओवरऑल एनालाइज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो शेयर के रिजल्ट है वो इतने अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। प्राइस लेवल की बात कर लेते हैं तो इस मंथ तक का शेयर का मैक्सिमम टारगेट आपको जो है 14 रुपये के राउंड तक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो होल्ड करके रखना चाहे तो वैसे तो आप इस शेयर को यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वार्टर तक होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो जो शेयर के अभी रिटर्न्स और रिजल्ट रहे हैं वो इतने कुछ खास भी देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन होल्ड करके रखना चाहे तो नेक्स्ट क्वार्टर तक के प्रस्पेक्टिव से इस शेयर को होल्ड करके आप जो है अप ट्रेंड की तरफ सेल कर सकते हैं।